नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल रेल नॉलेज पे। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है 12011 नई दिल्ली से कालका के बीच चलने वाली कालका शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे जोन करता है और ये शताब्दी श्रेणी की रोजाना चलने वाली सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है जो रोजाना नई दिल्ली से चलकर पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़ के रास्ते कालका पहुंचती है। दोस्तों अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन नई दिल्ली से कालका की टोटल डिस्टेंस 269 किलोमीटर को करीबन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 4 घंटे और 5 मिनट में तय करती है। और दोस्तों इस ट्रेन का 4 स्टेशनों पर ठहराव रहता है और वहीं इस ट्रेन की अधिकतम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों इस ट्रेन को नई दिल्ली से कालका तक गाजियाबाद या तुगलकाबाद लोको सेड का वेव 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। और वही दोस्तों अगर बात करें इस ट्रेन में कोचेज की तो इस ट्रेन में LHB रेक श्रेणी के शताब्दी लिवरी के कोच रहते हैं, जिनमें 2 कोच एग्जीक्यूटिव चेयर कार के, तो 13 कोच AC चेयर कार और 2 कोच सामान गार्ड एवं जनरेटर यान को मिलाकर कुल 17 कोच रहते हैं। और दोस्तों इस ट्रेन का नई दिल्ली से कालका तक का किराया एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया ₹1,345 रहता है, तो वही AC चेयर कार का किराया न्यूनतम किराया ₹670, तो वही अधिकतम किराया ₹885 रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन में डायनेमिक किराया प्रणाली लागू है जो यात्री भार एवं सीट की मांग के अनुसार बढ़ता रहता है। लेकिन दोस्तों इस किराए में केटरिंग चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज, GST वगैरह सभी चार्ज शामिल है, लेकिन फिर भी यह अपडेटेड किराया नहीं है क्योंकि रेलवे समय समय पर इस किराए में बदलाव करता रहता है। इसलिए किराए में किराए की ज्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों ट्रेन नंबर 12011 नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना सुबह में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सुबह में 7:40 पर रवाना होती है। और दोस्तों यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है पानीपत जंक्शन सुबह में 8:51 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:53 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है कुरुक्षेत्र जंक्शन 9:37 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 9:39 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप रहता है अंबाला कैंट जंक्शन सुबह में 10:28 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 10:30 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने सेकंड लास्ट स्टॉपेज चंडीगढ़ जंक्शन सुबह में 11:05 पे और करीबन 8 मिनट ठहरने के बाद 11:13 पे ऐसे रवाना हो जाती है। और दोस्तों चंडीगढ़ जंक्शन तक यह ट्रेन 244 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज कालका सुबह में 11:45 पे और यहां तक 269 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों यह थी 12011 नई दिल्ली से कालका के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।